संगीत क्या है, संगीत कितने प्रकार के होते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गुरुदेव, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताएंगे संगीत कितने प्रकार के होते हैं, संगीत क्या है। तो वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहे। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि करे उसे हम संगीत कहते हैं। जैसे स्वरों के मेल से जो उत्पन्न होता है, जिसका कोई मतलब हो, जिससे कुछ हमें समझ में आए, जिसका कोई उच्चारण हो, जो एक कहानी की तरह लगे, वही संगीत कहलाती है। गायन, वादन, नृत्य तीनों के समावेश को संगीत कहते हैं। अर्थात जब हम एक म्यूजिक एल्बम देखते हैं तो उसमें गाना, धुन और नाचना, इन तीनों को मिलाकर एक वीडियो बनाया गया होता है, इसे हम संगीत कह सकते हैं। इसमें गाना बजाना और धुन, गाना बजाना, धुन नाचना, तीनों का समावेश होता है। तो अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं कि इसे संगीत कहा जाता है। गाना बजाना नाचना इतने पुराने हैं जितना कि आदमी। अर्थात गाना बजाना नाचना, इसका हम कोई समय सीमा नहीं बता सकते हैं कि कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया। इसे हम आमतौर पर ये कह सकते हैं कि जब मानव का उत्पत्ति हुआ, सृष्टि का रचना हुआ, उसी समय से गाना बजाना नाचना चलता आ रहा है। इसलिए इसका कोई निश्चित नहीं बता सकते हैं ये कितने दिनों से चलता आ रहा है। गायन मनुष्य के लिए उतना ही स्वाभाविक है जितना कि भाषण है। भारतीय संगीत कला दो प्रकार के होते हैं, शास्त्रीय संगीत, भाव संगीत। भारतीय शास्त्रीय संगीत उसे कहते हैं जिसमें खास नियम होता है, जैसे किस गाना को किस सुर में गाया जाए, किस लय के साथ गाया जाए, उसका क्या ताल होगा, इन सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गाया जाता है। ये भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंदर आता है। अब हम बताते हैं भाव संगीत क्या होता है। दोस्तों, भाव संगीत वो होता है जिसमें कोई नियम का पालन नहीं करना पड़ता है, बस वह सुनने में अच्छा लगे, उसका उच्चारण अच्छा हो, यही भाव संगीत का अर्थ है। भाव संगीत, भाव संगीत तीन प्रकार के होते हैं, चित्रपट, लोकगीत, भजन। चित्रपट में फिल्मी गीत यानी कि फिल्मों के गाना, लोकगीत, लोकगीत यानी कि विवाह गीत, शादी गीत, पारंपरिक गीत, चैता, बिरहा, मांझी, ये सारे गाने लोकगीत के तहत आते हैं। तीसरा भजन यानी भगवान को पूजा अर्चना यानी प्रार्थना करना, ये सब भजन के अंदर आता है। ये भाव संगीत के तीसरे रूप होते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? इसी तरह के जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।